हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के वीपीओ मेंस के एग्जाम्स के प्रैक्टिसेट का, जो कि हम कर रहे थे। ठीक है, तो आज ग्राम पंचायत का 12वां प्रैक्टिसेट होगा। इसके पहले 11 प्रैक्टिसेट हो चुका है। जिन लोगों ने चैनल पर वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वहाँ से देखिए, आपके बहुत सारे कंटेंट जो है वीपीओ के मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटे। टोटल होंगे 100 क्वेश्चन और 100 अंक के होंगे। ठीक है, तो फुल प्रैक्टिस सेट्स में देखने वाले हैं। 65 क्वेश्चन ग्राम पंचायत का होगा, 15 जो आपका आएगा वो कंप्यूटर से मिलेगा, और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन हम इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से, जो कि दिया गया है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। ठीक है, वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रामीण प्रशासन होता था उसका एक प्रमुख अधिकारी बनाया जाता था, उसको हम क्या कहते थे, तो उसको कहा जाता था ग्रामीण। ठीक है, क्या कहते थे, ग्रामणी कहते थे। तो यहाँ पे ग्रामीण नहीं होगा, यहाँ पे ग्रामणी होगा। ग्रामीण लिखा हो, गलत लिखा है, यहाँ ग्रामणी होना चाहिए था। ठीक, ग्रामणी उसको कहा जाता था। तो इस तरीके से ग्रामणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रामणी का मुख्य कार्य क्या होता था कि गांव में जो चोर हैं, डाकू हैं और राज्य के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको जो है पितृवत रक्षा करना, और मतलब भ्रष्ट कर्मचारियों इन सभी से जो है रक्षा करना था। और उसे जो है ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने के लिए तथा अगर हम बात करें तो गाँव के लोगों पर जो है अर्थदंड भी लगाने का जो है अधिकार इन्हें प्राप्त था। तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा ग्रामीण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान का प्रमुख का कौन कार्य करता था। ठीक, ग्राम प्रधान के रूप में प्रमुख कार्य कौन करता था शिवाजी के काल में। ठीक है, तो शिवाजी के काल में अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। वो उसको कहते थे पाटिल। ठीक है, पाटिल जो होता था वो ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था, और शिवाजी के काल में जो है ग्रामीण प्रशासन में जो है काफ़ी सुधार किया गया। जो अगर हम बात करें तो कुलकर्णी जो लिपिक था, जो मुख्य रूप से एक ब्राह्मण होता था, तो शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में जो है अष्ट प्रधान प्रशासन की प्रमुख व्यवस्था थी, जिसमें कार्य एवं उनके प्रशासनिक इकाइयों की जो है उचित उसमें व्यवस्था किया गया था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है पिछले, अगर 11 प्रतिशत हम लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे इसको कहा जाता है रिपन को। ठीक है, क्योंकि रिपन ने 1882 में सर्वप्रथम जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था अपने कार्यकाल में। इसका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक। तो उसी के दौरान जो है 1882 में इसने जो है स्थानीय स्वशासन का जो है शुरुआत किया था, इसलिए इसे जनक माना जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में अगर हम देखेंगे तो उसे हम कहते थे पंचमंडली के नाम से जानते थे। ठीक है, तो हर काल में जो है ग्राम सभा या ग्राम सभा के जो प्रमुख होते थे उनका नाम चेंज होता चला गया, काम वही था। तो इस तरीके से आप गुप्त काल में अगर पूछेगा तो उसका जो नाम हो गया था पंचमंडली हो गया था। ठीक है, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं होता था इसमें से। तो देखिए, चोल साम्राज्य में अगर हम बात करें तो आंसर इसमें देखिए दिया गया है पहला कि यह है भूमि कर संग्रह करती थी। तो जो कि ग्राम सभा का कार्य होता था, ये भूमि कर जो कृह संग्रह थी, कर संग्रह, वो ये स्टोर करती थी। मंदिरों के रख रखाव व उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी। ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करना ग्राम सभा का कार्य नहीं होता था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करना भी ग्राम सभा का कार्य में था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हमें कार्य क्या नहीं था, जो कि ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करना इसका कार्य नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, यह किसने कहा। तो स्थानीय स्वशासन संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, ये कथन जो है वो कहा गया है प्रोफेसर लॉस्की के द्वारा। आंसर सी आप समझे, इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, या पंचायती राज दिवस आ जाएगा। तो ये मनाते हैं हर वर्ष 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था
इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल को ही, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है और कौन से स्तर पर गठित होती है, ठीक है, मतलब उसका स्तर बताना है, प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर या उच्च स्तर पर। तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज प्रणाली है जिसमें पंचायत समिति का गठन जो होता है वो खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायत समिति जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो है मध्य स्तर, मध्यवर्ती स्तर होता है, ठीक है, जो कि ब्लॉक स्तर पर होता है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 243 के में वर्णन किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो है किया जाएगा, और इस निर्णय के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, जिला पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय का चुनाव जो है कराया जाता है किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जो महिलाओं के आरक्षण की बात किया गया है वो किया गया धारा 11 के 1 के 4 में, ठीक है। तो धारा 11 में जो है आरक्षण की बात की गई है और 11 के 1 के 4 में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बातें कही गई हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी। देखिए, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य का अगर 1/5 सदस्य मांग करता है ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव अगर पारित करता कराता है तो 30 दिन के अंदर जो है ये बैठक बुला लिया जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अगर देखा जाए तो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उन्हीं के बीच में से एक जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट, ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। तो जवाहर रोजगार योजना जो प्रारंभ किया गया है ये कब प्रारंभ किया गया है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, इसको शुरुआत किया गया था 1989 में। क्यों शुरुआत किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए, ठीक है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को लाभकारी रोजगार सृजन हो उसी के उद्देश्य से इसको शुरुआत किया गया था। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। अब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें जो इस आयोग का गठन किया गया था 1995 में, ठीक है, सॉरी, अगर केंद्र प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन पूछेगा तब 1966 आंसर हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो 1995 सही है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का महत्व क्या है। तो पंचायती राज के महत्व में अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, तो देखिए पंचायती राज जो होता है वो स्थानीय सरकार की स्थापना करता है, ठीक है, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देता है। तो ये तीनों महत्व हैं पंचायती राज से संबंधित। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो पंचायत क्षेत्र के विकास योजना तैयार करता है वो तैयार करता है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के द्वारा तैयार किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायत जो समिति है वो टोटल 6 है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टोटल कितनी है, 6 है। 6 कौन कौन सी हैं, तो पहला उसमें आता है नियोजन एवं विकास समिति, ठीक है, नियोजन एवं विकास समिति आता है। इसके बाद दूसरा हो जाता है शिक्षा समिति, ठीक है, दूसरा होता है शिक्षा समिति, तीसरा आता है निर्माण कार्य समिति, तीन ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य एवं कल्याण, ये चौथा हो गया, ये समिति हो गई, ठीक है। फिर आता है प्रशासनिक समिति, फिर आ जाता है जल प्रबंधन समिति। ये 6 समितियां जो है ग्राम पंचायत समितियां जो है निर्धारित किया गया है, जो कि आपको इसको आना चाहिए।
चलिए, पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत चुनाव जब होता है तो उसके दौरान जो पीठासीन अधिकारी बनते हैं, मतलब एक मतदान अध्यक्ष इन्हें करते हैं, तो ये निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन, मतलब गलत कथन बताना है इसमें से। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, जो कि सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया, इसकी नियुक्ति विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है। इसकी नियुक्ति अगर हम बात करेंगे तो राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, भी सही है। इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी पार्ट कर गलत था। ठीक है, गलत वाला बताना था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना, मतलब गलत वाला इसमें ही बताना है। पहला दिया गया कि पंचायत के अनुसूचित जाति के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था है, जो कि सही है। ठीक है, एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। दूसरा, पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक तिहाई आरक्षण की सुविधा है, तो ये भी सही है। तीसरा है, अनुसूचित जनजाति और जाति, मतलब अनुसूचित जात और जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है, जो कि गलत है। अगर हम देखें तो पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 यानी एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, जिसे राज्य विधानमंडल के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनुसूचित जात एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा कुल महिलाओं के लिए आरक्षण अनुपात में ही शामिल होता है, अलग से 50% की सुविधा नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा एक तिहाई से अधिक किया जा सकता है, जो कि सही है। ठीक है, यह दिया गया है, तो यहाँ गलत वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? तो यहाँ पे देखिए, तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव के चुनाव का जो माध्यम है वो राज्य के विवेक पर आधारित है, मतलब राज्य चाहे तो उसको जैसे चाहे वैसे करवा सकता है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा है, राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्य के विवेक पर आधारित है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की संबंधी योजनाएं भी विवेक पर आधारित ही होता है। तो हो जाएगा आंसर डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो प्रदेश में पंचायतों की संख्या की अगर हम बात करेंगे, जब तीसरा आम चुनाव हुआ था इसको देख लीजिएगा, 1970-71। ठीक है, डेट देख लीजिएगा तीसरे आम चुनाव वाला। तो यहाँ पे पंचायतों की जो संख्या थी टोटल कितनी रही थी? तो 72,233 पंचायतों की संख्या रही थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तरह सम्मिलित नहीं है इनमें से? अब NRHM में योजनाएं कुछ सम्मिलित की गई हैं, उनमें से कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है बताना। तो देखिए, आशा योजना सम्मिलित है, जननी सुरक्षा योजना भी है, आयुष योजना भी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसके तहत नहीं आता। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और NRHM की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? तो केंद्रीय कार्यक्रम अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी आता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये भी आता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और कौन कौन होता है? तो देखिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ चार अन्य सदस्य होते हैं, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को इसमें से प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया पहला कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय, जो कि ये जो है सिफारिशें करता है राज्यपाल को। ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो, ये भी सिफारिश करता है, मतलब वित्त आयोग का काम ही वित्त से रिलेटेड काम करना। राज्य की समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली जो अनुदान सहायता, ये भी जो है सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके अलावा कर हो गया, चुंगी है, मार्ग कर हो गया, शुल्क का निर्धारण हो गया, ये सभी पंचायतों को सौंपे गए हों, ये सिफारिशें प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये जो है वित्त आयोग जो है राज्यपाल को क्या प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की समपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये करता है राज्य विधानमंडल, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति जो है किसके पास होती है? तो ये पावर, ये अथॉरिटी दिया गया है राज्य सरकार को,
राज्य सरकार के पास होती है। राज्य सरकार चाहे तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जो है राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खंडों में जिन्हें ठीक समझे विभक्त कर सकती है, यानी कि विभाजित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? तो जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है मुख्य चिकित्सीय अधिकारी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, ई पंचायत मोड मिशन परियोजना जो है संबंधित है या किससे संबंधित है? तो ई पंचायत मोड मिशन परियोजना यानी इसको हम कहते हैं NMP। ठीक है, NMP एक ऐसी परियोजना जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना इसका काम है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, समर्थ अभियान की अवधि क्या है? ठीक है, समर्थ अभियान की अवधि की अगर हम बात करेंगे तो इसकी अवधि 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 रहा था। ठीक है, शुरुआत हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक ये चला था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये यह अभियान भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज़ादी के अमृत महोत्सव के विजन के ये अनुरूप जो है शुरुआत किया था। और समर्थ अभियान जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, इसका उद्देश्य था ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सामान्य सेवा केंद्र जिसको हम कहते हैं CSC, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर किस मंत्रालय की पहल है? तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक IT मंत्रालय उसके तहत ये कार्य करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा DPAR, जिसे अगर हम बात करें तो 2006 में मई 2006 में जो है अनुमोदित किया गया था सरकार के द्वारा। ठीक है, यह जो है ई गवर्नेंस योजना की एक जो है रणनीतिक आधारशिला है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2014 और 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को यह प्रारंभ किया गया था। इसके तहत जो है प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा और उसे बुनियादी ढांचे के बराबर सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र आवास योजना प्रारंभ कब हुआ ये बताना। तो समग्र आवास योजना की अगर हम बात करेंगे तो यह वर्ष 1999-2000 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य था गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो है आवास उपलब्ध कराना। तो समग्र आवास योजना के प्रारंभ है 1999-2000। चलिए नेक्स्ट, भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत निर्माण योजना की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, तो भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुआ था 2005 में। ठीक है, और ये 16 दिसंबर 2005 को शुरुआत किया गया था। और इसके अंतर्गत प्रमुख घटक में बिजली आती है, बिजली आपूर्ति हो गया, दूर संचार हो गया, आवास हो गया, तो ये सभी आते हैं। साथ ही साथ इसके तहत जल आपूर्ति सिंचाई भी आती है प्रमुख घटक में। ठीक है, जल आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सिंचाई ग्रामीण सड़कें आती हैं इसके अंतर्गत। तो ये भी अगर आपको ऑप्शन में कहीं मिल गया तो ये भी जो है इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरुआत किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1990-2000 के बीच में। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1990 को यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके कौन सी योजना शुरुआत किया गया था? तो उस योजना का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, जिसको हम नरेगा के रूप में जानते हैं। नरेगा 2005 में ये बना था। ठीक है, और ये अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत किया गया था दो योजनाओं को विलय करके। 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को जो है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी देता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, VLE क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो VLE एक प्रमुख हितधारक है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर जो है चलाता है। ठीक है, CSP सेंटर
चलाता है, और VLE जो है VLE का फुल फॉर्म है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि या फिर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं इसको। तो VLE जो है CSP सेंटर चलाता है, वो ग्रामीण के आवश्यक कार्यों में जो है सहायता भी करता है। तो सी पार्ट हो जाएगा इसके परिप्रेक्ष्य में जो है ए व बी दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है। ग्राम पंचायत सचिवालय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र होता है, आपको परिवार रजिस्टर होता है, उपस्थिति पंजिका होती है, सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है पंचायत सचिवालय में उपलब्ध रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान की अगर हम बात करेंगे तो ये कब प्रारंभ किया गया था ये बताना है, ठीक है, जो कि ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ये शुरुआत किया गया था और ये सन 2000 में शुरुआत किया गया था, 2000-2001 में, ठीक है। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत का होता है। तो पंचायत का इसमें योगदान जो होता है वो अगर हम बात करेंगे तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट हो जाएगा, 20% होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है। तो पंचायत में शिकायत निवारण को अगर सही तरीके से लागू करना है तो शिकायत को सुनिए, कारगर ढंग से समाधान करिए, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सभी विकल्प जो है लागू करके हम ठीक कर सकते हैं, सही तरीके से लागू कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ। जल जीवन मिशन प्रारंभ की तिथि है 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत किया गया था। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जननी सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो यह कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ये शुरुआत किया गया था 1 जून 2011 को, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक पूछेगा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी होती है इनमें से, ठीक है। 46, तो यहाँ कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करना जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारी है, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन देना, योजना और नीति बनाना, ऐसे भी जिम्मेदारी होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट है। भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना कब शुरुआत किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा कब शुरुआत किया गया था। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, 48 का आंसर क्या जाएगा, 1975 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट, 1975। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है। तो यह है अपने उत्तर प्रदेश की। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा शुरुआत किया गया था सन 2018 में, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। तो बेघर अथवा कच्चा मकान बने जो होते हैं उनको पक्का मकान उपलब्ध करवाना, जो कि ये सही है। पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12 मासी सड़क संपर्क करना, तो ये सभी काम जो है किए जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, तो ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया था। तो ग्राम स्वराज की संकल्पना की अगर हम बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। गांधी जी का विचार था कि जब ग्रामों का विकास होगा तो उससे ब्लॉक और जिलों का विकास होगा, और यही क्रम जिला व राज्यों के विकास से होते हुए देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी, घोषणा कब किया गया था। तो पंचायत प्रोत्साहन योजना की घोषणा की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ था 24 अप्रैल 2017 जब उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस था। 24 अप्रैल 2017 को अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा किया गया था। तो 24 अप्रैल 2017 को घोषणा किया गया था और इसको शुरुआत किया गया था, संचालित किया जा रहा 2018-19 से।
आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य इसमें से अगर हम देखेंगे तो अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 18 जुलाई 2020 को शुरुआत किया गया था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। युवा उद्यमिता विकास अभियान यानी युवा हब योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख योजना उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, प्रमुख उद्देश्य है स्टार्टअप बनाने में सहायता करना, योग्यता के अनुसार नौकरी देना, ये सभी जो है इसके उद्देश्यों में आते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और युवा हब योजना का शुभारंभ जो है 11 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के जो 6 जिले हैं, जहाँ 6 जिलों में कौन कौन से आते हैं, तो मिर्ज़ापुर हो गया, पूर्वांचल में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, ठीक है, सोनभद्र, चंदौली, चंद्रप्रभा, चंदौली, ठीक है, और इसके अलावा गाजीपुर, मऊ, और आ जाता है इसमें बलिया, सबसे पूर्वी जिला बलिया। तो ये पूर्वांचल माने जाते हैं, पूर्वांचल के 6 जिले। और यहाँ पे ग्रामीण खाद्य बैंक योजना का शुरुआत 2007 में किया गया था, ठीक है। और इस योजना को बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों में प्रारंभ किया गया है। इसी के अंतर्गत एक लाभार्थी 1 क्विंटल तक निःशुल्क खाद्यान्न ले सकता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया बताना है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2020 में शुभारंभ हुआ था, ठीक है। दो अभियान है 2020 में, शुभारंभ जून 2020 में किया गया था, जिसमें 31 जिलों में प्रारंभ किया गया था, 31 जिलों में शुरू किया गया। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर है? कचरा मुक्त शहर किस योजना का उद्देश्य? इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। तो शहर में ग्रामीण कहाँ से आएगा? तो ये तो ऐसे नहीं होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो ग्रामीण वाला इसे काट दीजिए, यहाँ पे पहला वाला भी कट जाएगा, जो होगा वो दूसरा होगा ऑप्शन से, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2 में जो है कचरा मुक्त शहर, इसका उद्देश्य रखा गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत किया गया था? तो ये शुरू हुआ था जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 58 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये कार्यक्रम पहले साल में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत किया गया था MNP। और ये इसका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है। चलिए, अंत्योदय योजना 1977-78 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था? तो ये अंत्योदय योजना सर्वप्रथम 1977-78 में ये शुरुआत हुआ था राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के दौरान कितने गांव के विशेष के लिए जो है विशेष पहल शुरुआत किया गया था? तो सर्वप्रथम जब शुरुआत किया गया था तो टोटल इसमें कितने गांव को रखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 60 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट जो है 21,058 गाँव के लिए विशेष पहल के लिए जो है शुरुआत किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। आदर्श ग्राम पंचायत में क्या क्या सम्मिलित है? आदर्श ग्राम पंचायत में देखा जाए तो शिक्षा युक्त पंचायत होनी चाहिए, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत होनी चाहिए, स्वच्छता एवं हरित पंचायत होनी चाहिए, और स्वच्छता युक्त पंचायत, हरित पंचायत होनी चाहिए, साथ ही साथ स्वस्थ पंचायत भी होनी चाहिए। तो ये सभी आदर्श ग्राम पंचायत के जो है सम्मिलित होते हैं आदर्श ग्राम पंचायत में। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। जन्म मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में जिला स्तर का अधिकारी कौन होता है? तो जन्म मृत्यु पंजीकरण के संबंध में जिला अधिकारी जो होता है वो होता है जिला रजिस्ट्रार। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है, ठीक है। संयुक्त प्रांत तो पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था दिसंबर 1947 में, ये पारित किया गया था। और इस अधिनियम पर गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे तथा ये यूपी गवर्नमेंट गजट में 27 दिसंबर 1947 को प्रकाशित हुआ था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्रता के बाद जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया? स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम यह आया था 1969 में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है? तो गांव के विकास कार्यों के लिए
प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद इसमें से कौन करता है? तो इसमें से करेगा ग्राम पंचायत सचिव, ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव करता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत से संबंधित 65 क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया था प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माचली के द्वारा, जो कि डी पार्ट सही हो जाएगा, बी व सी दोनों के द्वारा, ठीक है। 1945-46 में इसका आविष्कार किया गया था, 1945-46 में, और उस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इन्होंने रखा था इन एक, ठीक है, ये इनके द्वारा जो है नाम इसका रखा गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास में किसका प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वैक्यूम ट्यूब, यानी कि निर्वात ट्यूब का इसमें जो है प्रयोग किया गया था, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है परम क्या है? परम क्या है ये बताना है। तो परम की अगर हम बात करेंगे, परम जो होता है कंप्यूटर के टर्म में, तो परम एक जो है सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार कितना होता है? तो कंप्यूटर में एक शब्द के आकार की अगर हम बात करेंगे तो एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न भिन्न होता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज जो होता है सीपीयू के आधार पर जो है एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर के दूसरे से भिन्न होता है। अब जैसे 16 बिट का सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स का होता है, और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर तो एक शब्द जो होता है 64 बिट्स तक हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा डी पार्ट। माइक्रो प्रोसेसर की गत को किस रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की जिस गत से निर्देशों को जो है संचालन करता है निष्पादित करता है उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, तो यहाँ पे घड़ी की गति हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटिंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है? और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश और कर ध्यान केंद्रित करता है, यहाँ पे हमें भरना है डेटा सूचना ज्ञान, सूचना डेटा ज्ञान, ज्ञान डेटा सूचना, यहाँ पे बताना है हमें क्या सही है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटिंग जो होता है वो ज्ञान पर केंद्रित होता है, ठीक है, नॉलेज पर केंद्रित होता है, और पारंपरिक कंप्यूटिंग जो होता है ये डेटा और सूचना नोटिफिकेशन जो है पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट। एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है इनमें से? एनएलपी, तो यहाँ एनएलपी की अगर हम बात करेंगे तो एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, फुल फॉर्म, जो कि एक जो है क्या होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखा जाए कि तो इसमें से क्या संबंधित नहीं, तो एनएलपी प्रत्याशित है जो कि ये संबंधित नहीं है, बाकी एनएलपी को अधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता हो सकती है, ये बहुत समय कुशल है। एनएलपी कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। अब इस तकनीक एनएलपी तकनीक के माध्यम से मशीनों के द्वारा मानव की भाषाओं को समझा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है? मतलब ये बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक किसने खोजा? तो ये किया गया क्लाउड शैनन के द्वारा, काम क्लाउड शैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का जो है संस्थापक माना जाता है, और उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। SSD का फुल फॉर्म बताना है, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आपका दिया गया है सी पार्ट में, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए जो है इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है, और ये आमतौर पर जो है फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है, और कंप्यूटर स्टोरेज में जो है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOEMS का फुल फॉर्म बताना है। MOEMS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके माध्यम से हम क्या कहते हैं कि बहुत छोटे आकार का, मतलब बहुत ही छोटा आकार जो होता है उसके सिग्नल को तेजी के साथ डाटा से जोड़ने का कार्य किया जाता है इसके माध्यम से। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फार्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? स्वचालित मतलब ऑटोमेटिकली जो फार्म आदि भर जाता है उस सुविधा को हम क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 के आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा।
ऑटो फिल के माध्यम से आधा मतलब फॉर्म आधा भर जाता है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सन सेरिफ है, ठीक है सन सेरिफ, इसमें से कौन सा फॉन्ट जो है सन सेरिफ है। सन सेरिफ फॉन्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये एरियल जो फॉन्ट होता है सन सेरिफ फॉन्ट होता है। ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है, BCC जो ईमेल के अंतर्गत आता है, तो BCC का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका जो है फुल फॉर्म है, और ये यदि सेंडर के साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है और वह उन लोगों से यह छिपाना चाहता है कि मेल और किसके पास भेजा गया है, तो वहाँ पे BCC का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है, नॉन इंटरैक्टिव इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है नॉन इंटरैक्टिव होता है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता, यह एक ऑपरेटर होता है जो समान आवश्यकता वाले समान कार्य लेता है और उन्हें बैचों में समूहित करता है, तो आंसर सी पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से तो पहला दिया है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, जो कि गलत है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो केवल सॉफ्टवेयर से जहां दिया गया होगा आपको ऑप्शन वहां पे गलत हो जाएगा। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, भी गलत है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बनाते हैं भी गलत है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को स्टोर करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है, तो ये सही है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हो गया कंप्यूटर, अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणी पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो ये मिला है कोलडिहवा से, कोलडिहवा पड़ता है प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में कोलडिहवा पड़ता है, जहाँ से धान की खेती के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था और जो एशिया से जुड़ा हुआ था, तो वो शहर था मथुरा शहर, ठीक है, मथुरा शहर हो जाएगा आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे दिया गया तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र दिया गया, नीलगिरी पहाड़िया दिया गया, गंगा यमुना का मैदान, बुंदेलखंड, तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में तराई क्षेत्र आता है, गंगा यमुना मैदान आता है, बुंदेलखंड आता है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी नहीं आती, तो यही सम्मिलित नहीं होगा बी पार्ट, बाकी सारे सम्मिलित हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम पांच सबसे बड़े नगर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कानपुर हो गया, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, ये पांच जो है सबसे बड़े नगर हैं, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट। ये 2001 की जनगणना के अनुसार ये दिया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, अभी अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाएगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा कानपुर नगर, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे सबसे बड़ा आता है उसमें कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर हो गया, फिर आता है लखनऊ, ठीक है लखनऊ, फिर आता है वाराणसी, कानपुर नगर लखनऊ, फिर इसके बाद वाराणसी नहीं आता, माफ करिए गाजियाबाद आता है, ठीक है 2011 में, वाराणसी तो 2001 में आता है, ये गाजियाबाद आता है, गाजियाबाद, इसके बाद आता है आगरा, फिर आता है वाराणसी, फिर हो जाता है मेरठ, फिर वह प्रयागराज आता है। तो इस तरीके से 2011 के जनगणना के अनुसार पांच बड़े नगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, और 2002 के अनुसार 2001 के अनुसार जनगणना के अनुसार ये दिया गया था ऑप्शन में, तो उसमें सी पार्ट सी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार है तो जो है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किया गया था, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो यह किया गया था 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, इसका उद्देश्य था लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक प्रदान करना, ठीक है, उद्देश्य था बालिकाओं को सशक्त बनाना, जिसके अंतर्गत परिवार में कन्या अगर जन्म लेती है तो उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, इसी योजना के तहत, और साथ ही साथ हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, यह योजना के लाभार्थी को बेटी के जन्म लेने पर उसके स्नातक होने तक जो है सरकार प्रोत्साहन के रूप में 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये को देती है।
तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया। संगम योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। यह योजना 15 अगस्त 1996 को जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है, प्रारंभ किया गया था, और इसमें सहायता राशि जो है 15,000 रुपये प्रदान किया जाता। अगला प्रश्न, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में, आगरा में पड़ता है। आंसर इसका ए पार्ट है। इसकी आधारशिला 1953 में रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सहरिया। इसमें से अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सहरिया जो जनजाति है ये नहीं पाई जाती। सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो ये ललितपुर जिले में निवास करती है, ठीक है, ललितपुर के जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। बाकी वाराणसी जिले में जनजातियां जो मिलती है, चेरो हो गया, गोंड है, खरवार है, धुरी है, ओझा है, नायक है, पथारी है, सभी जनजातियां आपको वाराणसी जिले में मिल जाती हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो है कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण जो है ये प्रकाशित होती है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला कहाँ लगता है? बुंदेलखंड में, ठीक है। इसके बाद बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? पश्चिमांचल में। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में, तो बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया था ये वर्ष 1989 में। आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो कौन सा फ्रांसीसी यात्री था जो काशी को भारत का एथेंस माना था या कहा था? तो वो था बर्नियर। आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जो कि फ्रांसीसी यात्री था। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार की अगर बात करेंगे तो ये पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र सिंगरौली, ठीक है, यहाँ पे कोयला का भंडार पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र है? तो आगरा निर्यात विकास केंद्र के अंतर्गत आता है। खुर्जा भी आता, मेरठ भी आता, प्रयागराज नहीं आता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। राज्य का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? तो पीतल नगरी के नाम से एक ही जिला है मुरादाबाद, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। आंसर ए पार्ट, पीतल के काम ज्यादा वहां पर होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, और किस क्षेत्र में दर्शाती हैं ये बताना। तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा? जो निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं वो सेवा क्षेत्र में। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण कर दिया गया है, अब उसका नाम बदलकर क्या हो गया है? तो अब नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कर दिया गया, ठीक है। तो यहीं पर शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आजाद, इसी अल्फ्रेड पार्क में, तो इसका नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उस परियोजना का नाम है रिहंद परियोजना, जो कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और यह है किस जिले में पड़ता है? तो सोनभद्र जिले में पड़ता है, ठीक है, सोनभद्र जिले में पिपरी गाँव में स्थित है। पिपरी गाँव सोनभद्र जिले के पिपरी गाँव में, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी गाँव भी पूछ लिया जाता है। और ये अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बांध है, जो कि रिहंद बांध को अन्य एक नाम से जानते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो अगर रिहंद बांध आता या गोविंद वल्लभ पंत सागर आता तो इसका मतलब रिहंद बांध की बात ही कर रहा है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से? ब्रेड बास्केट मतलब जहाँ पे गेहूं की सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है, तो वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यही तीन राज्य हैं जहाँ पे गेहूँ की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसको ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य होते हैं, ठीक है। 1967-68 में जब 66-67 में जब हरित क्रांति हुई तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन हुआ, अभूतपूर्व वृद्धि हुई उत्पादन में, कृषि उत्पादन में। और वैश्विक दृष्टि से अगर हरित क्रांति का जनक की बात करेंगे तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, बोरलॉग। लेकिन अगर भारत की बात, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है, स्वामीनाथन को माना जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो तिलहनी फसलों में अगर हम देखेंगे तो उसमें आता है उत्तर प्रदेश में
राई और सरसों सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, तिलहनी फसल किसको कहा जाता है, जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें आता है महत्वपूर्ण जैसे तिल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी, वैसे भी जो है तिलहनी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें पीली क्रांति की संकल्पना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो राई और सरसों उत्तर प्रदेश के प्रमुख तिलहनी फसल है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिसीट की अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का यहीं पर ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।